नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अजित पवार को पार्टी नेता माना है। बारामती में पवार ने कहा, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि वे हमारे नेता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में धांधली के आरोपों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके 20 मिनट बाद उन्हें शर्तों के साथ जमानत भी मिल गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ को ओलंपिक प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। दरअसल नांदेड़ में चर्म रोग से ग्रस्त मवेशियों की बढ़कर संख्या 3,618 तक पहुंच गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच गए हैं। यहां एयरपोर्ट के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ लोगों से मिले। 40 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गए हैं। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। 4 साल पहले 2019 में ड्रीम गर्ल रिलीज हुई थी। अब एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन ने इस फिल्म का पार्ट 2 बनाया है। नेशनल अवार्ड 2023 के अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें अल्लू अर्जुन को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले दिनों लद्दाख के दौरे पर थे। उस दौरान वह केंद्र शासित प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कारगिल भी गए, जहां उनसे सवाल किया गया कि जब आप सत्ता में लौटेंगे तो क्या मुसलमानों की स्थिति में कोई बदलाव आएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हालात खराब है, ऐसा बाढ़ और बारिश की वजह से हुआ है। यहाँ मकान ताश के पत्तों की तरह टूट रहे हैं। इन राज्यों में रहने वाले लोग खौफ में हैं। भारत के डिफेंस फोर्सेस की शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के खरीदी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुंबई से सटे भयंदर इलाके में सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान और औरंगजेब का विवादास्पद स्टेटस अपलोड करने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि कोई न समझे कि हम खत्म हो गए, हम फिर आएंगे। वही दौर लेकर सोशल मीडिया पर यह स्टेटस वायरल हो गया। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।